हेलो दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति राठौर और स्वागत है आपका पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज है पार्ट फर्स्ट। और इसमें हम 500 एमसीक्यू की सीरीज लाए हैं, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सीरीज में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा न बदल, यकी रख अपने खुदा पे यूं बार बार खुदा न बदल। इस थॉट से ये हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने टारगेट को चेंज नहीं कर सकते। हमें अपना टारगेट कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हम अपने टारगेट हम दुनिया के बारे में कभी कभी सोच के ये सोच लेते हैं कि दुनिया ये बोल रही है, हमें वो बोल रही है, चलो छोटी मोटी नौकरी लग जाती है। लेकिन हमें अपना टारगेट कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें कभी ना कभी वो टारगेट अचीव हो ही जाएगा, इसलिए अपने आप पे यकीन रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने कब शपथ ली थी। तो फ्रेंड्स, इसका भी आपको पता होगा, तो आंसर है इसका 23 मार्च 2020। ये आंकड़ा आप याद रखिएगा कि उन्होंने शपथ कब ली थी, तो 23 मार्च 2020 को शपथ ली थी। फ्रेंड्स, अभी बीच में कमलनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे, उनके बाद शिवराज सिंह चौहान को बीच में ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो उन्होंने शपथ ली थी दोबारा 23 मार्च 2020 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। इन्होंने पूछा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की सरकार आ गई थी, जो कि कमलनाथ उनके मुख्यमंत्री थे, तो उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। इनका कार्यकाल रहा 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। इसका आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि उन्होंने शपथ कब ली थी और उन्होंने कार्यकाल कब संभाला था, तो 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। इसमें ये बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या श्री अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर है फ्रेंड शिवराज सिंह चौहान, इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश सरकार ने किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया है। इसमें पूछा है प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान लिखा है मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है तानसेन सम्मान, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 का पूछा है, 2019 किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है विद्याधर व्यास। आपसे पूछेंगे 2018 के भी और 2017 के भी, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम आपसे करवा देंगे। तो अभी पूछा उन्होंने 2019 का, तो इसका आंसर है विद्याधर व्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत कब तक घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा हुआ है। इसमें पूछा है कि जो किल कोरोना अभियान था उसके तहत घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने 100% का कार्य पूरा किया, तो उन्होंने पूछा है कि कब तक पूरा कर लिया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 20 जुलाई 2020 तक इन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, जबकि इनका कार्य था 2022 तक का और उन्होंने 2 साल पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया था, जो कि 100% पूरा किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनः सत्ता में आने पर 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। अब शिवराज सिंह चौहान के पुनः सत्ता में आने के बाद की बात है कि उनके आने के बाद 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है। अगर उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि 33वें मुख्य सचिव कौन है या मुख्य सचिव कौन है या जो मुख्य सचिव बने हैं वो कौन से नंबर के हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसमें हम 3-4 बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, इकबाल सिंह बैस, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव है, जो कि अभी भी हैं। अब नेक्स्ट है, एसआर मोहंती के कार्यकाल पूर्ण होने पर कमलनाथ सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 32
वह मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? अब इसमें पूछा है कमलनाथ सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश का 32वां सचिव किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एम गोपाल रेड्डी। एम गोपाल रेड्डी को 32वां मुख्य सचिव बनाया गया था। और अभी 33वें की पूछेंगे करंट में कौन है, तो इकबाल सिंह बैस है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में किसे पोस्टल बैटल की सुविधा मिलेगी? इसमें पूछा है कि किसे, जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें किसे पोस्टल बैटल की सुविधा मिलेगी। अभी जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है तो जो चुनाव है उसमें पूछा है कि पोस्टल बैटल की सुविधा किसे मिलेगी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कोरोना संक्रमित और 80 साल के बुजुर्गों को पोस्टल बैटल की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में COVID-19 की मॉनिटरिंग के लिए किसे नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है? अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में, जो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय हैं उनमें COVID-19 की मॉनिटरिंग करने के लिए नोडल अधिकारी चुना गया है। किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है श्री नीलेश दुबे। श्री नीलेश दुबे को COVID-19 के लिए मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया है। नेक्स्ट है यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम स्लम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाएगा? यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम जो है वो स्लम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाएगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कोविड वॉश अभियान। कोविड वॉश अभियान किससे संबंधित है? तो इस्लाम बस्तियों से संबंधित है, इंदौर से, जो कि यूनिसेफ के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसमें भी दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे बना के। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? कई बार हम सोच लेंगे कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है। तो इसका आंसर है जो लालजी टंडन है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, निधन के बारे में बहुत पूछते हैं। तो इसका आंसर है 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हुआ है 21 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है हाल ही में हुए मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? प्राचीन शैलचित्र जो है मध्य प्रदेश में हाल ही में पूछा है कि किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये मिले हैं नरसिंहपुर से। फ्रेंड्स बहुत सारे प्राचीन शैलचित्र मिलते रहते हैं लेकिन हाल ही का पूछा है तो अभी आप बताएंगे कि नरसिंहपुर से मिले हैं 2020 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित पहली अर्थ वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर फिंगर 2020 में एमपी टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित यानी कि भोपाल में आयोजित पहली अर्थ वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर फिंगर 2020 में एमपी टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स श्रीराम माधव ने ये टैंकर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में इस वर्ष कौन से राष्ट्रीय दिवस समारोह को प्रतीक स्वरूप में मनाने की घोषणा की है? इसमें बोला है शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं उन्होंने 2020 को कौन से राष्ट्रीय दिवस के प्रतीक के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस। हमारे मध्य प्रदेश को 2020 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में इसे दोबारा मध्य प्रदेश भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक चुना गया है। अगर हम डायरेक्ट पूछें तो किसे भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है? श्री नीलेश दुबे को, श्री लाल जी को, श्री राकेश सिंह को या डालचंद्र शर्मा को? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स श्री लाल जी को। नेक्स्ट है पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई है? पश्चिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई? ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। यहाँ पर स्टेशनों पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई नई तकनीकें अपनाई गई है, भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों को खाद और आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची वितरित कर सरकारी राशन दिलाएगा, है ना? मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों को, अब पूछा है कितने लाख जरूरतमंदों को खाद और आपूर्ति विभाग, जो खाद्य और आपूर्ति विभाग है वहां पर पात्रता पर्ची वितरित करके सरकारी राशन दिलाएंगे। तो कितने लाख लोगों को मिलेगा ये? 36,86,000 लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आईटीआई के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? आईटीआई कॉलेज जो होता है वहां के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन से संस्था ने समझौता किया है, कौन सा मध्य प्रदेश के साथ? तो इसका आंसर है CRISP। CRISP ने हमारे मध्य प्रदेश में आईटीआई के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है? प्रत्येक 8 ग्राम पंचायतों पर, प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर, प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर या प्रत्येक 7 ग्राम पंचायतों पर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगले सेशन का वेट करें। इसके बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है। आज के ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तो इसका आंसर आप अभी कमेंट करिए और अगले पार्ट में इसका आंसर आप देखिए कि आप सही है या गलत है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।